जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजस्थान का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सूबे की कोचिंग सिटी की भी सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। अपनी कोचिंग सुविधाओं की वजह से देश भर में चर्चित और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के क्षेत्र कोटा जिले के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। इनमें सबसे खास है कोटा उत्तर की जीत, जहां पिछली बार यहां हाथ का परचम लहराया था। कोटा उत्तर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर बीजेपी का लंबे समय तक कब्जा रहा है। 1980 से लेकर अब तक के चुनाव में बीजेपी 6 बार जीत हासिल की, तो कांग्रेस के खाते में 3 बार जीत आई। साल 1980, 1985, 1990 और 1993 में बीजेपी के ललित किशोर चतुर्वेदी लगातार 4 बार यहां से विधायक चुने गए। फिर 1998 में कांग्रेस के शांति धारीवाल ने जीत हासिल की। 2003 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहां से चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2008 में फिर शांति धारीवाल यहां से विधायक बने, लेकिन 2013 में बीजेपी के प्रहलाद गुंजल जीते। हालांकि 2018 में शांति धारीवाल ने फिर वापसी की और प्रहलाद गुंजल को हरा कर विधानसभा पहुंचे। शांति कुमार धारीवाल यहां से कई बार राज्य में मंत्री रह चुके हैं। इस बार भी कांग्रेस शांति धारीवाल पर ही दांव खेलने की तैयारी में है, तो बीजेपी भी प्रहलाद गुंजल को फिर मैदान में उतार सकती है। यहां के जातीय समीकरण पर बात करें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार कोटा उत्तर में कुल 2,34,072 मतदाता हैं, जिनमें से 1,21,306 पुरुष मतदाता और 1,75,178 महिला मतदाता हैं। यहां पर सबसे ज्यादा करीब 60,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी निर्णायक भूमिका में रहती है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोटा उत्तर में विकास कार्यों की बाढ़ आ गई। दुनिया का सबसे बेहतरीन चंबल रिवर फ्रंट की गाथा किसी से छुपी नहीं है। इसके साथ ही कई बड़े चौराहे, पट्टे वितरण, सीसी रोड, रेड लाइट फ्री शहर, बायोलॉजिकल पार्क, खेल सुविधाएं सहित कई आवासीय योजनाओं के कारण कांग्रेस एक बार फिर जीत का परचम लहराना चाहती है। लेकिन पिछले 30 साल से किसी भी पार्टी को लगातार जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में बीजेपी भी अपनी जीत की उम्मीदें बांधे हुए है।